जब भी ईवीएम की बात करो तो भाजपा को जोर से मिर्ची लगती है। क्यों लगती है भाई? कुछ किया होगा तभी तो इतनी मिर्ची लग रही है। अब क्या ही करे ईवीएम की बात करके। ऐसा कहना था भूपेश बघेल का जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। जब मीडिया ने उनसे ईवीएम के बारे में सवाल पूछा कि क्या सच मुच छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी के राज्यों में ईवीएम का घोटाला हुआ है जहाँ पर भाजपा जीती है, तो उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब कभी भी आप ईवीएम की बात करो तो भाजपा को मिर्ची लगती है। मिर्ची लगने का क्या कारण हो सकता है? क्या सचमुच भाजपा ने कुछ किया है? क्या सचमुच भाजपा ईवीएम के साथ छेड़खानी करती है? और अगर ऐसा नहीं करती है तो इतना बुरा भाजपा को क्यों लगता है? जब कभी भी ईवीएम पर सवाल उठता है तो कोई ना कोई भाजपा का मंत्री या नेता अपने बयान जारी करने लग जाता है। इससे पहले कभी भी चुनाव में ईवीएम को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाए गए। और आप मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, जहां भी भाजपा जीती है वहां पर चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम को लेकर के कई सवाल खड़े होते। इतना ही नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तब भी ईवीएम पर कई सवाल खड़े हुए थे। और जब कहीं पर भाजपा जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े होते, और जब भाजपा नहीं जीतती है तो भाजपा के लोगों का ऐसा कहना होता है कि क्या अब ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं होती, क्या अब इनसे ईवीएम का घोटाला नहीं कहा जाएगा क्योंकि भाजपा नहीं जीती है। लेकिन सच्चाई क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी लगातार बयान निकल के आ रहा है सामने। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव दोबारा इसलिए नहीं कराए जाएंगे क्योंकि कांग्रेस ऐसा चाहती है या दूसरे विपक्षी ऐसा चाहते हैं। यहाँ पर चुनाव इसलिए दोबारा कराए जाएंगे क्योंकि जनता ऐसा चाहती है, जनता वोट देती है। और अगर जनता कहती है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, भाजपा ने ये गलत किया है, तो चुनाव जरूर कराए जाएंगे। आपको क्या लगता है, ईवीएम के साथ सचमुच छेड़खानी होती है? क्योंकि अगर पहले के आंकड़ों को देखा जाए, जो पब्लिक सर्वे होता है उसको देखा जाए, तो उसके मुताबिक कई राज्यों में ऐसा हो चुका है कि भाजपा ने हारने के चांसेस स्पष्ट सामने आते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीतने के बजाय हार जाती है और भाजपा हारने की बजाय जीत जाती है। भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, कई ऐसे पार्टियां हैं जिनके चांसेस होते हैं जीतने के, लेकिन जब चुनाव का परिणाम सामने आता है तो पता चलता है कि कुछ और ही नतीजे हमारे आंखों के सामने हैं। और भाजपा जीत चुकी है और इसको भाजपा अपनी ताकत बताती है, अपनी राजनीति करने का तरीका बताती है, अपने योजनाएं बताती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच भाजपा की योजनाओं की वजह से भाजपा जीतती है? क्या भाजपा की राजनीति की वजह से भाजपा जीतती है? या ये ईवीएम का घोटाला ही है जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं या बाकी की जनता कह रही है, बाकी विपक्षी कह रहे हैं? आपको क्या लगता है वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है? और आने वाले 2024 के चुनाव में आप ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं या बैलेट पेपर से? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहे NCR समाचार पर।